हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो के स्टोरेज के बारे में। तो आप लोग में से बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमारे फ़ोन में अगर जो भी हम गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो किस टाइप से हम उसे इंस्टॉल कर पाए एसडी कार्ड में, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो हमारे फ़ोन स्टोरेज में इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन स्टोरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है और उसकी वजह से हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लैग होता है, काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है। तो आज इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे गाइस। आप लोग अगर जो भी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं एंड आप लोग कोई भी सॉन्ग वगैरह, वीडियोस वगैरह, मूवी वगैरह जो भी डाउनलोड करते हैं, वो सारा का सारा फ़ोन स्टोरेज में इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होता है या फिर डाउनलोड होता है तो किस टाइप से हम यहाँ पे जो एस डी कार्ड में से कन्वर्ट करेंगे, जो कि आप लोग का पूरा डाटा जो डाउनलोड करेंगे आप लोग वो पूरा एस डी कार्ड में किस टाइप से यहाँ पे डाउनलोड होगा, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँगा, इस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर यहाँ पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो कैसे अभी हम अपने फ़ोन के सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग के फ़ोन में स्टोरेज नाम की सेटिंग रहती है, आप लोग को यहाँ पे एडिशनल सेटिंग दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। स्टोरेज पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन का स्टोरेज जितना भी रहता है अवेलेबल, अभी देख सकते हैं अवेलेबल है 1.10 GB, जो कि 1 GB हमारा एसडी कार्ड जो यहाँ पे अवेलेबल है एंड सॉरी फ़ोन स्टोरेज। एंड एसडी कार्ड की बात करेंगे तो लगभग 4 GB का हमारा एसडी कार्ड अभी अवेलेबल है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो गाइस कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता जिससे हम पूरा का पूरा सेलेक्ट कर पाए एसडी कार्ड में। अब यहाँ पे तो हमारे फ़ोन में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। अगर हमारे फ़ोन में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता तो हमें कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, और मैं आप लोग को जो एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ वो आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। एंड इंस्टॉल करने के पहले आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे हमें फॉलो करना है। तो चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा गाइस, फर्स्ट टाइम हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग का डिवाइस का जितना भी स्टोरेज रहता है सारा का सारा आ जाता है। आप लोग को सेटिंग का जो ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करना है, और हमारा जो सेलेक्ट रहता है गाइस बैकअप पाथ का, तो आप लोग को सेकंड में ऑप्शन दिखता है बैकअप पाथ का, इस पर क्लिक करना है सेट वाले ऑप्शन पे। इंटरनल स्टोरेज पे हमारा सेलेक्ट है गाइस, तो आप लोग का एसडी कार्ड में करना है और स्विच वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं इसे और सेलेक्ट टू एसडी कार्ड पे नीचे वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना। स्टोरेज पाथ जो है हमारा चेंज हो चुका है। एंड ऑटो बैकअप पे आप लोग अगर कोई भी बैकअप चाहिए तो आप लोग बैकअप भी कर सकते हैं यहाँ पे, एंड आप लोग कुछ नीचे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट हमारा मेन टॉपिक था जो भी हम एप्लीकेशन जो भी हम कुछ डाउनलोड करें वो एसडी कार्ड में डाउनलोड हो, तो आप लोग इस टाइप से बैकअप पाथ को चेंज कर लीजिएगा एसडी कार्ड में। अब आप लोग जो भी कुछ डाउनलोड करेंगे वो सारा का सारा फ़ोन स्टोरेज की जगह आप लोग का एसडी कार्ड में जो डाउनलोड होगा, जो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करना, वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए जय माता दी।